Nah, moving too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets didn't taught me, moving too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets didn't taught me, I'm just tryna get my niggas paid. We came from Section 8, and I knew I was a nigga since the second grade. Man, I swear my time is coming, cause I'm never late. Came from broken homes and broken dreams to getting paid. Look, dollar bill, listen close, this is not a drill. Niggas hungry trying to get a meal. I've been in light, who gon' pay a bill? I've been in action, been in traction, surplus with niggas lacking, shining light but still be blacking, red lights will stop the action, green to go, even when it's slow. Higher heights to balance out the lows. वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आप हमारी मॉन्स्टर थार देख रहे हो और ऐसे ही हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, इसके साइड में 4x2 खड़ी हुई थी। जरूरी मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी भाई, मॉन्स्टर ट्रक महिंद्रा का डिफेंस वाला, एंड हेयर इट इज। तो भाई मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है, द मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन यूट्यूब इज हेयर। इसके बारे में हम आपको ऐसी कोई डिटेल नहीं बताने वाले हैं जो कि सिक्योरिटी ब्रीच करे, क्योंकि ये डिफेंस की गाड़ी है। बट आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की। और भाई इतनी ह्यूज है ना गाड़ी, अब देखो यहाँ पे मेरी थार खड़ी है, उसके साइड में ये गाड़ी खड़ी हुई है। ये देख लो भाई कितना डिफरेंस है हाइट का। और इसमें BF गुडरिच के भाई टायर्स यूज कर रखे हैं 37 इंच के, बस लिफ्ट उससे ज़्यादा लग रही है। और रियल मॉन्स्टर भाई यही है, इस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी बनाई हुई है महिंद्रा ने। ये महिंद्रा की गाड़ी है, डिफेंस के लिए स्पेशली बनाई जाती है, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम रील में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे इसके बारे में, क्योंकि उससे सेफ्टी का कंसर्न रहेगा, क्योंकि आर्मी की गाड़ी है, ऑब्वियसली बात है। और भाई ये महिंद्रा इस गाड़ी को बनाता है और ये पलवल में ही बनती है, पिथला में गाड़ियाँ डेवलप होती है जो कि महिंद्रा बनाता है। पूरी फैक्ट्री है महिंद्रा की यहाँ पे, एक महिंद्रा की मॉन्स्टर वहाँ खड़ी हुई है जो कि इसका बच्चा है भाई, बिग डैडी इज दिस। तो भाई रियल गाड़ी मॉन्स्टर ट्रक भाई ये है। बाकी आपको इसमें पीछे स्टेपनी रखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। इसमें पीछे यहाँ पे स्टेपनी रखी हुई है, प्लस यहाँ पे सामान रख के लेके जाते हैं आर्मी वाले। और इधर अपना गनमैन होता ही है, जो कि आपने देखा होगा भाई, नॉर्मल मूवीज़ में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। HMRV इसका नाम है। और भाई ये है डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी टेररिस्ट वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। अब इसको एग्जैक्टली मास्ट बोलते हैं, बट जो आर्मी का नाम है वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी अंदर से हम इस गाड़ी को आपको नहीं दिखा सकते हैं। गाड़ी की ओवरऑल लुक आप देख लो भाई, इस तरीके की गाड़ी दिखाई देती है भाई। आगे विंच रखी हुई है भाई, बहुत हैवी विंच यहाँ पे है, क्योंकि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी है ना भाई, कहीं भी फंस जाएगी तो निकालने के लिए विंच की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए बहुत तगड़ी क्वालिटी की विंच भी इसमें लगा रखी है। बाकी ओवरऑल लुक ये है भाई। दो आगे आपको हेडलाइट्स देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ पे ये फॉग लैम्प्स बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल जो भी हेलोजन लाइट्स यहाँ पे नीचे भी दे रखी है। मतलब टोटल छः लाइट दे रखी भाई आगे। और भाई आगे से सामने से इसकी लुक देख लो भाई, लुक इतनी अल्टीमेट आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, वीडियो जस्टिस नहीं कर रही होगी, बट सामने से देख के ना भाई इतनी अल्टीमेट लग रही है गाड़ी। जब चलती है ना, जैसे यहाँ तक आई है भाई, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मतलब रियल हेड टर्नर ये है भाई, क्योंकि ये देखने को नहीं मिलती है नॉर्मली। अभी क्या है कि ये टेस्टिंग पे चल रही है, उसके बाद ये आर्मी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए, थोड़ी सी वीडियोस, कुछ मैं वीडियोस इसकी शेयर करूँगा, जो कि इसकी ट्रायल जो भी हुआ है लद्दाख में, प्लस जो भी ऑफ रोड इसके साथ अभी किया गया है, उसकी कुछ वीडियोस मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। बाकी ओवरऑल लुक यही है भाई गाड़ी की। और भाई मौसम भी अल्टीमेट हो चुका है, अल्टीमेट गाड़ी के साथ। तो यही है भाई महिंद्रा की डिफेंस कार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। एक बार रोड पे चलती हुई देखी थी, उसके बाद अभी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही थी इसकी, तो यहाँ पे मैंने वीडियो शूट कर लिया। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको गाड़ी कैसी लग रही है। और भाई अपने इंडियन आर्मी को सल्यूट भी है, और डिफेंस के लिए जो महिंद्रा काम कर रहा है ना भाई, इसीलिए मैं ज़्यादा महिंद्रा की गाड़ियाँ लेता हूँ। अपने पास एक महिंद्रा की थार है ऑलरेडी, और एक और आने वाली है इस साल में, जिसका अपडेट आपको जल्दी ही मिलेगा। बाकी भाई अपने इंडियन लोहे को सल्यूट है, और आर्मी के लिए ऐसे ही काम करते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। भाई शूट करने के लिए आए थे गाड़ी को, ये देखने क्या खतरनाक मौसम हो गया भाई। ये देखो आंधी आंधी और पीछे से उड़ के आ रही है भाई कुछ चीज़ है ना, टीन टप्पर। गाड़ी हम भी चढ़ा लेते हैं भाई अपने ऊपर। ये लो चलो जी। ये देखना एक साथ ही मौसम बदल गया भाई, ये देखो काले बादल आ गए, तगड़ी बारिश आएगी अब। ओ भाई साहब खतरनाक भाई, जैसे ही मौसम चेंज हुआ भाई भी अपनी गाड़ी ले गए, कह रहे भैया मैं जा रहा हूँ अपने महिंद्रा। तो भाई हमने आपको एक गाड़ी दिखा दी है, मॉन्स्टर ट्रक, उसके कुछ सिनेमेटिक्स भी लगाए हैं, बस एक लुक दिखा दिया भाई महिंद्रा इस गाड़ी को बनाती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये गाड़ियाँ पलवल में बनती है, आधे से तो पलवल वालों को ही नहीं पता होगी कि इस टाइप की गाड़ियाँ पलवल में बन रही है। बाकी मौसम अल्टीमेट हो चुका है भाई, और यहाँ पे अपनी थार तो है ही भाई, जबरदस्त महिंद्रा की एक और गाड़ी। बाकी एक अपडेट आपको जल्दी थार का भी मिलेगा जानने को, मतलब हम कुछ प्लान कर रहे थे पहले, बट अभी प्लान में चेंज आ चुका है, बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, और जिसका अपडेट आपको जल्दी ही जानने को मिलेगा कि हम क्या करने वाले हैं थार के साथ। ठीक है, मुझे ना अपनी आज मुझे एक थार की वीडियो शूट करनी थी, बट मौसम जो खराब हुआ है ना, तो उसकी वजह से मैं थार वाली वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ, जो कि मे भी हो सकता है कि मैं कल शूट करूँगा उसको, तो कल शायद वीडियो देखने को मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ आपको वीडियो देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, प्लस अपनी हेल्थ पे फोकस ज़्यादा है, और क्योंकि बहुत टाइम से ना रेगुलर ट्रैवल हो रहा था, बट अब जब ट्रैवल स्टार्ट होगा ना, वो इस एनर्जी के साथ होगा कि वो अलग ही लेवल का आपको एक्सपीरियंस इस बार देखने को मिलेगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, सब चीज़ रहेगी। क्योंकि मैंने 1 से 1.5 महीने का गैप लिया है, और अब जो ट्रैवल होगा उसके लिए मैं वेट भी कर रहा हूँ कि अपनी गाड़ी आ जाए, 2 गाड़ियाँ आनी है इस साल में, तो वो आ जाए, उसके बाद ही मैं ट्रैवल स्टार्ट करूँ, तो उसका भी वेट हो रहा है। बाकी देखते हैं जो भी रहेगा, अगर बीच में कहीं इधर उधर जाने का प्लान बन गया तो आपको दिखा देंगे, अदरवाइज यही है कि तगड़ा ही प्लान बनाएंगे, अब जो भी बनेगा तगड़ा प्लान बनेगा। छोटी वीडियो 5-6 मिनट की है, बट जो भी है मैंने दिखा दिया आपको एक्सपीरियंस अपना, और चलो इसी के साथ हम भी घर पहुंच चुके हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो, हम आपको धमाकेदार एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाते रहेंगे द इंडियन ओवरलैंडर पे। तो भाई द इंडियन ओवरलैंडर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक और कमेंट आप बहुत कम कर रहे हो, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो लाइक मार दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, लाइक पे क्लिक ही तो करना है तुम्हें, बस लाइक पे क्लिक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है, ना पसंद आती है, ना पसंद भी कर दो, मैं उसका भी रिप्लाई कर देता हूँ, बट कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि मेरे को ना अलग लेवल की मोटिवेशन आती है एक क्रिएटर को, जब उसकी वीडियोस पर लाइक और कमेंट आते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनती है ना उसमें और एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। We don't tread softly,